Hey guys, welcome back to the channel for yet another Tarano Build video. And this time मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसमें वायरिंग का क्या इंतजाम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक रोड मैप तो बता ही दिया था जब मैंने आपको जो भी सारा स्टफ मैं इसमें यूज करने वाला हूँ सारा आपको मैंने दिखाया था, राइट? सो मैं अभी बैक सीट पे हूँ, आपने देख ही लिया। सो यहाँ पे सबसे पहले सबवूफर की वायरिंग से स्टार्ट करते हैं, अभी वो डली हुई है, मैं सोच रहा हूँ उसको हटा देते हैं एंड जब सबवूफर आएगा इसके अंदर एक हायर क्वालिटी के वायरस के अंदर डालेंगे। सो सबसे पहले काम वही करते हैं, देन 6x9 की वायरस भरी जाने वाली है स्टेरियो के पास। सो देखते हैं, मुझे याद नहीं कि वो पिछली बारी आर्म थे या स्टेरियो थे, तो उसकी वायरिंग को नोटिस करेंगे कि वो जा कर रही है। अगर वो स्टेरियो पे जा रही है तो इट्स ऑल गुड। देन जो कंपोनेंट्स की वायर है वो आनी है एम्पलीफायर पे, उसको चेक करेंगे कि वो किस कहां पर जा रही है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पर होगी। नहीं यार, एक बार मैंने एक्चुअली जब कोएक्सल्स डाले थे साउंड फॉक्स के, तब मैंने उसको स्टेरियो से कर दिया था, तो शायद वो वहीं पर और वहां नहीं होगा तो यहाँ होगा, देखते हैं। देन फिर हमारी बारी आती है 4-inch पिलर स्पीकर्स पे। 4-inch पिलर स्पीकर्स तो हमेशा से ही स्टेरियो पे हैं, तो वो नल वर्ड हो गया। उसके बाद गाइस मैं चेक करने वाला हूँ RCA केबल्स को। RCA केबल्स की अगर क्वालिटी एंड कंडीशन एकदम ठीक है तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा, वैसे का वैसे ही रहने दूंगा, सो वो चीज पे रहेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबवूफर एरिया से। सो गाइस इस चीज की वजह से ये डायरेक्टली नहीं खुल पाती है, बट आई डोंट केयर क्योंकि ये चीज ज्यादा कंफर्टेबल है स्टॉक से, तो उसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेते हैं एंड पीछे वाला डोर को भी, ऑब्वियस सी बात है। एंड फिर उसके बाद यहाँ से ये चीज खुलेगी, इसके बाद ऐसे आ जाएगा एंड यहाँ पे कोई वायरिंग दिख रही है गाइस आपको? अरे वायरिंग तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब वो यहाँ तो ओवर टाइम अपने आप ही निकल गई होगी क्योंकि उस कनेक्टेड नहीं है वो किसी भी चीज से। आई थिंक ये बड़ी, ये देखो गाइस मैंने भी क्या काम कर रखा है, कनेक्टेड नहीं थे तो इसको मैंने कारपेट के नीचे ही ठूस दिया है ये वायर। सो इस वायर को आज मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये किसी काम की नहीं है फिलहाल। एंड देयर वी गो गाइस। तो ये गाइस सबवूफर के लिए मैं ये वायर यूज कर रहा था, बट अब मैं जब सबवूफर डालूंगा इसके अंदर तो इससे बहुत ही ज्यादा ऑसम क्वालिटी की वायर डालूंगा क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं है। ओके ओके, शायद मैं यूज कर लूँ इसे, बट देखते हैं यार तब का तब क्या होगा, अभी तो अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ फिलहाल। सो अब गाइस चेक करेंगे ये वाली वायरिंग जो कि है हमारे 6x9 की, एंड ये कहाँ जा रही है ये नोटिस करना है। मुझे इसको लेके जाना है स्टेरियो एरिया तक। सो यहाँ से रूट करते हुए अंदर वेदर सील जो होती है हमारी ये वाली जैसे है, एंड फ्रंट में भी ये होते हुए वो जो कारपेट है वहाँ से डैशबोर्ड के नीचे जाएगी, वहाँ पे कहीं गोल मटोल होके यहाँ तक पहुँचानी है। देखते हैं अभी कहाँ है, लेट्स गो। ओके सो इस डोर को अगर ओपन करूँ तो मैंने वायरिंग को गाइस यहाँ से डाल रखा है, मैंने हज़ारों बारी इस में से डालने की कोशिश की थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल पाया। सो अगर गाइस आप वायरिंग कर रहे हो, अगर आपके ऐसी कोई रबर कॉमेंट है उसमें से अगर वायर को डाल सको तो मज़ा ही आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। मैंने बहुत ट्राई किया था, ट्रस्ट मी गाइस मैंने बहुत ट्राई किया था। तो फिर मैंने यहाँ से इसको ऐसे लिया एंड इसी के जहाँ से वो जा रहा है वहीं से इसको डाल दिया, एंड ये गाइस वायर निकल रही है करीब करीब यहाँ पे, एंड ये वायर गाइस आई थिंक यहीं से होती हुई, लेट मी टर्न द लाइट्स ऑन, देयर वी गो। सो यहीं से होती हुई ये वायर का ये नीचे एंड ये इसी साइड जा रही है, तो आई थिंक ये एम्पलीफायर पे ही थी। सो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, लेट मी पुल, नहीं रही कहीं ना कहीं फंस रही है, ये रही गाइस वायर, वो ये वाली वायर है क्योंकि यहाँ पे और कोई वायर नहीं आ रही तो यही एक वायर है। सो अलाउ मी टू पुल इट लिटिल बिट हार्डली, फंस का रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसके नीचे कहीं फंस रही है ये। सो मुझे एक बारी मैं निकालता हूँ। सो थैंकफुली गाइस आई गेट द स्मार्ट थिंग बैक देन, एंड मैंने इस वायर को काटा नहीं जब मैंने इसको आर्म के साथ कनेक्ट किया था, तो इट इज़ अ प्रिटी फेयरली लॉन्ग केबल, सो ये आराम से आगे तक चली जाएगी। सो अब इसको यहाँ से भी निकालना है एंड इस पर्टिकुलर जगह से ये प्लास्टिक जो है अपना सीट का यहाँ से निकाल लिया, अब इसको यहीं से आगे मैं फेंक देता हूँ एंड वहाँ से फिर हम इसको आगे जाके सेट करेंगे तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा अपना। अभी मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, बुरी ये आ गई अपनी वायर ऑन वायर, एंड ये यहाँ से मैंने इसको फ्रंट पे साइड मूव कर दिया एंड ये मैंने इसको बाहर उस साइड फेंक दिया, सो ये फ्रंट में चली गई। सो अब यही काम गाइस यहाँ पे करना है। सो ये वाली जो वायर है जिसको मैं सोच रहा था कि ये फ्रंट कंपोनेंट्स की वायर है, बट ये फ्रंट कंपोनेंट्स की वायर नहीं है क्योंकि ये यहाँ सेंटर से आ रही है, तो इसी का जो रबर ग्रॉमेट हमने यूज़ किया था यहाँ से निकल के वो यहाँ से ओपनिंग है तो यहाँ से आती है, तो ये नीचे ही है, सो इसको भी बस वहीं से नीचे आगे बस कर देंगे। तो आई होप कि ये स्टेरियो तक पहुँच जाए क्योंकि ये वाली साइड मुझे छोटी लग रही है, वो वाली साइड तो कोई टेंशन ही नहीं है, एंड जॉइंट मारना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, सो आई होप ये पहुँच जाए वहाँ पे। सो अब आगे चल के देखते हैं क्या नज़ारा है, उसके बाद RCA के बाद वापस आएंगे। RCA मेरे एक्चुअली ज़्यादा लंबी वायर्स थी, सो मैंने ऑब्वियसली बात RCA को तो हम काट नहीं सकते, तो मैंने केबल टाइ कर दिया उसे अच्छी तरीके से एंड
ये भाई आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ, नॉट सुपर एक्सपेंसिव RCAs बट डिसेंट। आज तक मुझे इससे कभी नॉइस का कोई इशू नहीं आया, कोई नॉइस का इशू नहीं है एंड दे साउंड फैंटास्टिक। तो ठीक है, मतलब सेम कलर आप सोच रहे हो कि मैंने सेम कलर के RCA को डाले, एक्चुअली गाइस मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं तो कई बार RCAs थोड़े से लेफ्ट ओवर हो जाते हैं क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूँ कोई चीज़, क्योंकि कलर कोड तो यार हम खुद भी कर सकते हैं, कलर कोड से इतना कोई लेना देना नहीं है। सो रेड एंड वाइट यहाँ पर है, इसको मैंने रेड बना दिया और येलो वाइट हो गया अपना। सो बेसिकली क्वालिटी ठीक ठाक है अभी, सो मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। एंड ये जो रेड वायर आप देख रहे हो गाइस, ये है हमारी एम टर्न ऑन की जो हमारी रिमोट वायर होती है, ये इस पर्टिकुलर ऑन ऑफ स्विच से कनेक्टेड है जो हमारी मेन वायरिंग का है स्विच, उसके साथ ये पावर मिलती है उसे। सो ये पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्टेड है जो कि हमारा मेन जो रिमोट वायर जो फैक्ट्री का है उसके साथ मैंने उसे कनेक्ट किया, देन मैंने इसको कनेक्ट किया जिससे कि बस मैं उस स्विच को फ्लिक करूंगा तभी जाके एम्पलीफायर ऑन होता है। इसका इस स्विच के ऊपर गाइस पूरा एक कंप्लीट स्टैंड अलोन वीडियो है मैंने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। सो सारे लिंक्स गाइस डिस्क्रिप्शन में रहने वाले हैं और थोड़े से आई कार्ड में भी आ जाएंगे ऊपर, तो आप चेकआउट करते रहना। सो ये भी एक अच्छी क्वालिटी की वायर है, प्रॉपर कॉपर है गाइस, इसके अंदर आप देख रहे होंगे गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है ना, ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, कॉपर इट इज एंड इट्स फेयरली लॉन्ग। अगर मुझे बूट में भी इसको डालना हो तो मैं डाल सकता हूँ, बट यहीं पे सबसे अच्छी पोजीशन लगती है मेरी पुंटो के अंदर, जो कि शायद दिख जाए दिख गई पुंटो के अंदर भी सीट के नीचे ये एम्पलीफायर एंड नैनो के अंदर भी ऐसे ही है। सो वायरिंग अच्छी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहती। सो ये सब करने के बाद गाइज मैं एक जब एम्पलीफायर को इंस्टॉल करूंगा उस दिन मैं अपनी जो एम्प वायर है ये वाली, बेसिकली आप यहाँ पे तीन वायर्स देख रहे होंगे। सो ग्राउंड को मैंने अपग्रेड किया हुआ था जो कि नेगेटिव साइड है, ये ग्राउंड है, ये दोनों कंबाइन होकर ग्राउंड चलता है मेरा। एंड ये जो वायर है अपनी ये पॉजिटिव साइड है, बट थोड़ी हार्ड केबल है। सो मेरे पास एक और इससे बेटर केबल है जो मैं उसमें शायद ऐड ऑन कर दूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट बट ऐड ऑन। एंड यहाँ पे गाइस आप देखो एक मैंने फ्यूज़ भी इंस्टॉल किया हुआ है, ये फ्यूज़ गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली गाइस वायरिंग को बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं ज़्यादा। जैसे अगर हम एम्प से ज़्यादा करंट ड्रॉ करें तो ये वायरिंग पे काफ़ी लोड पड़ जाता है, ये काफ़ी हीट अप हो जाती है दोनों कोई सी भी हो, लेकिन पावर वाली साइड पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है। सो एक बार एक फ्यूज़ होगा कितने भी एम्पेयर का जितना आपको रिक्वायर्ड है, सो फ्यूज़ थोड़ा बचा लेगा, अदरवाइज वायर जल जाती है उसके साथ दस चीज़ और जल जाती है और कई बार गाड़ी जल जाती है, सो नॉट गुड। तो आप चलते हैं गाइस आगे, ये अपनी 6x9 की वायर गाइस यहाँ से तो ये आ ही रही है एंड इसको बस अब ये वेदर सील के अंदर टक करते हुए मैं इसे आगे शिफ्ट कर ही देता हूँ, प्लास्टिक के नीचे भी ले जाऊंगा। एंड गाइस ये जो वायर है मेरी HID की वायर है, आपको मैंने पहले भी दिखाई हुई है। सो इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं एंड मूव करना स्टार्ट करते हैं, देयर वी गो। अब ये यहाँ से गाइस शिफ्ट हो जाएगी अंदर की साइड पे एंड वहाँ से वहाँ। गाइस चेक दिस आउट, एंड यहाँ पे आपको कई वायर्स दिखने वाली हैं, ये वाली वायर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही किस चीज़ की है, बट आई थिंक सो HID की है, सॉरी HID। देन एक और वायर यहाँ पे जा रही है, आई थिंक ये है अपनी कॉम्पोनेंट की। सो हमें एक को वहाँ से हटाना है एंड ये वाली वायर को डालना है, एंड एक वायर यहाँ पे और मिलेगी वो है हमारी 4-inch स्पीकर्स की। सो मैं कॉम्पोनेंट्स की वायर फटाफट से हटाता हूँ एंड इस वायर को यहाँ से डालता हूँ। सो यही चीज़ काम हमें सेम काम फ्रंट साइड उस साइड भी करना है, सो ऑल विल बी ऑसम। गाइस कॉम्पोनेंट की वायर्स डायरेक्टली तो आ नहीं रही, सो इसका मतलब यहाँ पे कहीं फंसी हुई है, यहाँ पे आप जंगल देख रहे हो वायर्स का। सो कई सारी चीज़ें जो येलो वायर भी है अपनी पावर की, जो आप वो ग्रीन कनेक्टर देख रहे हो गाइस वो मेन फैक्ट्री का है जो गाड़ी के साथ आता है, उसके साथ एक प्लग इन कनेक्टर है। सो कोई वायर मैं नहीं काटता, आपको पता ही है, एकदम हाईली प्रोफेशनल काम मैं करूँगा एंड आई ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ कनेक्टर्स। ट्विस्ट एंड टेप भी एक अच्छी चीज़ है अगर आपको ढंग से करना आता हो तो, कई लोग ऐसी कर देते हैं तो वो ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन नहीं होता, उससे बेटर है कि आप एक ट्विस्ट एंड टेप से बेटर ये कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, काफ़ी अच्छे रहते हैं ये। सो ये जो बीच में आपको एकदम सेंटर में एक स्पीकर वायर दिख रही है, यही आई थिंक कंपोनेंट की वायर है। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से यहीं पीछे जा रही है, तो यहाँ से निकालूंगा तभी वहाँ से निकलेगी एंड इस साइड की भी मैं निकाल दूंगा। काफ़ी ज़्यादा गोल गोल राउंड्स के अंदर ये फंसी हुई है वायर, शायद आपको दिख रहा हो, इसे मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा राउंड्स में गाइस ये देखो ये वायर यहाँ पे फंसी हुई है एंड कई सारी मैंने टर्न्स दिए थे क्योंकि मैंने अच्छा किया था कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग वायर को ही रखा, अदरवाइज फिर से बार बार वायर चेंज करना इज वन हेल ऑफ अ टास्क। अभी क्या है, लॉन्ग वायर है, लपेट दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सो नज़र भी तो आएगी नहीं एंड अभी यहाँ से मैं निकाल के एम सेट डाल दूंगा। अब जैसे पीछे वाले की लंबी थी तो मैंने उसे आराम से आगे डाल दिया, चीज़ है ना, फ्यूचर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली गाइस कम से कम ये 10 जगह गोल गोल रखी थी, उसके बाद जाके अब ये हाथ में आई है मेरे। सो
अब इसको भेजना है पीछे, सो ये यहाँ से निकली एंड ये यहीं से अंदर जाएगी। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हुई अपनी, ये जाने वाली यहाँ से नीचे, सॉरी नीचे कह रहा हूँ पीछे, पीछे से कहीं और जाएगी। ये गाइस मैंने डाल दी वायर, वो बड़ा लंबा काम था इसमें। एंड अब इसको पहुँचाना है गाइस यहाँ तक, एंड ये वाली ज़्यादा लंबी नहीं है, वो वाली हद से ज़्यादा लंबी थी, तो इसमें ज़्यादा रोटेशन भी नहीं आएंगे, विच इज़ नाइस। Okay guys, so front side has been completed. यहाँ तक मैंने वायर को पहुँचा दिया है पीछे तक, और ना पीछे उसे कनेक्शन दे देंगे तो बात अलग है। अब यही काम करना है इस साइड पे भी। Guys, on this side we have a different colored cable, जो कि है red and black. उधर तो transparent type थी, and it must be some leftover wires. काफी सारे projects आते रहते हैं तो wires का तो चक्कर रहता ही है। So ये रही guys wire इसकी, and इसको बस यहाँ से निकाल लेंगे और पीछे की तरफ डालना है। There we go. यहाँ से आई, अब इसके भी राउंड्स होंगे अंदर, देन फिर ये यहाँ से निकल के जाएगी। अब यहाँ पे देखो गाइस काफ़ी सारी वायरिंग है, सारा RCA वायरिंग मेरा यहाँ से इसी साइड से गया हुआ है, क्योंकि पावर इस पर्टिकुलर सीट के नीचे है, तो इसलिए नॉइज़ का कोई इशू नहीं रहता कभी भी। तो अब ये वायर को निकालना है, एंड इस वायर को ये ऑलरेडी निकल गई थी 619 की हमारे, तो इसको आगे लेके आना है। There we go. So guys, finally 6x9 की वायर मैंने निकाल ली है, एंड आई होप ये छोटी ना पड़े, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड ये आराम से पहुँचेगी, बहुत ही ज़्यादा आराम से, ये तो बहुत लंबी वायर है कंपोनेंट की। तो गाइस ये रेड एंड ब्लैक कंपोनेंट की वायर तो पीछे बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुँच गई, इट्स एक्सेस एंड पंगा ये हो गया है। ये थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी नहीं एक्चुअली, मुझे कम से कम 1 फीट और चाहिए थी, क्योंकि अभी जब मैं इसे अंदर डालूंगा तो ये करीब करीब यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगी। एंड स्टेरियो के साथ जो कनेक्टर होता है उस पर इतनी सी वायर होती है, वो भी कनेक्ट करूं अंदर से लेकर तो यहाँ तक ही पहुँचेगी। सो इतना सा पीस का फ़र्क पड़ रहा है, ये मैं नहीं करना चाहता था, बट आज एक जॉइंट मारना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। डैम इट गाइस, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं मारना पड़ेगा, ये एक्चुअली पंखा कुछ और ही था, पता नहीं कैसे हुआ, बट ये देखो मैंने आपको दिखाया अभी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा, स्पीकर के डोर के अंदर इतनी लंबी वायर पड़ी हुई है। मजे हो गए, मजे हो गए, नो जॉइंट, नो जॉइंट। ओके, द फ्रंट हैज बीन कंप्लीटेड गाइस, सो ये आ गए हमारे 4 कनेक्टर्स। ये वाली वायर है हमारे ए प्ले के स्पीकर की, एंड ये हमारा है पीछे का, क्या कहते हैं उसे, 6x9। सेम हेयर, ये है ए पिलर एंड ये है 6x9। सो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, सो ये प्रॉपरली काम हो गया यहाँ पे। एंड अब RCA थोड़ा सा गुंजल पड़ रहा है, एक बार उसे अच्छी तरह से करके उसको अंदर की तरफ डाल देता हूँ। एंड अभी जब मैं स्टेरियो डालूंगा तो यही सारी वायर्स अभी जहाँ तक आ रही हैं ये करीब करीब यहाँ तक चले जाएंगे, तो यहाँ से डेफिनेटली निकलेंगी बाहर। सो यहीं पर कहीं ना कहीं उसे रोल आउट करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। जब स्टेरियो इंस्टॉल करूँगा वो चीज़ तब की है, सो अभी पता नहीं ना कितना चाहिए, एंड प्रॉपर कनेक्शन देने हैं तो बढ़िया रहेगा। अब मैं RCA सेट करके उसके बाद वापस पीछे चलते हैं। ओके, आई एम इन द बैक। सो गाइस, ये जो रेड वायर है ये फ्रंट डोर कंपोनेंट की, एंड ये वाली जो वायर है ये भी फ्रंट डोर कंपोनेंट की है, पर राइट साइड एंड वो लेफ्ट साइड। सो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसको बस मैं गोल्ड मटोल करके, मतलब टाई करके वहीं पर रख दूंगा, क्योंकि एम्पलीफायर ने वही आना है। एंड इस पर्टिकुलर वायर को गाइस मैं यहाँ बैटरी के साथ लेके आऊँगा वहाँ तक, इस सब जो भी है यहाँ पे हैंड ब्रेक की वायर्स के साथ में। एंड जो ये हमारे एम्पलीफायर की वायरिंग है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर है जो कि डायरेक्ट बैटरी से आ रही है, इसको गाइस मैं प्रॉपरली जब एम्प इंस्टॉल करूँगा तब अपग्रेड करूँगा, आपको सारी वायरिंग एकदम क्लियरली दिखाऊंगा। आज हमारा बहुत ही बड़ा काम हो गया है, ये काम होना बहुत ज़रूरी था। इसको मैं डाल देता हूँ एंड इसको भी अंदर की तरफ रख देते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी क्लीन लगेगा। ओके गाइस, फाइनली ऑल सेट एंड डन। बस ये दोनों वायर यहाँ पे आ गए हैं जिनको हमें जोड़ना है एम्पलीफायर के साथ, ये ग्राउंड एंड ये हमारा पॉजिटिव, इनको अपग्रेड करना है। एंड RCA वैसे ही रहेंगे, बस उनको और पीछे कर देंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एम्पलीफायर को कारपेट के नीचे डाल दूँ, जैसा कि मैंने पुंटो में कर रखा है, बट आई डोंट नो, तब का तब देखूंगा मैं। एंड ये अभी फिलहाल तो मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ, क्योंकि कनेक्टर तो है नहीं किसी चीज़ से, तो कोई किसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो इज समथिंग लाइक दैट ऐसा रहने वाला। एंड ये सब तो अंदर लग जाएगा एम्पलीफायर के साथ, एम्प बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। अभी सीट जो है ये पूरी ऑल द वे आगे है, एंड अभी ये थोड़ी पीछे आती है, इतना ज़्यादा लेग रूम थोड़ी होता है जब आगे बंदा बैठता है यार, आप कुछ भी यार। सो ऑल ये कम्प्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया रहेगा अब एक्सपीरियंस। थैंकफुली गाइस ये काम मैंने आज कर दिया, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि पहले मैं इसका इंटीरियर को बहुत ही एक अच्छा सा क्लीनअप दे दूँ, जैसा मैंने पहले किया था, लिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो सारे रहेंगे। उससे बेटर करने का सोचा इस बारी मैंने, बट मैंने बहुत अच्छा किया कि आज मैंने वायरिंग का काम पहले कर लिया। मेरे हाथ देखो, दिख रहे हैं, मतलब दिख नहीं रहे यार, दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा ज़्यादा गंदा हो गया।
चेक इट आउट. मतलब इन काम में भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी, तो ये काम अभी हो गया. अब मैं इसका आराम से क्लीनअप वगैरह दे दूंगा एंड उसके बाद डैशबोर्ड का इस पर स्पेशल ट्रीटमेंट है, उसका स्पेशली वीडियो रहेगा. सो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस. एंड और भी कई सारे अपग्रेड्स हैं ऑडियो के बाद में, कई और चीज़ों में फोकस करने वाला हूँ, इसकी लुक्स को और एनहांस करने वाले हैं. मतलब देखते जाओ क्या क्या होता है. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट. एंड कारोडी फैंस, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि मैंने क्या किया. नानो फैंस, आपसे कोई समझ आया होगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि बड़े ही मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है. सो आई होप एवरीबॉडी लाइक इट. एंड गाइस अगर आप न्यू मेरे चैनल पे, सो आपने प्लीज एक बार वीडियो का एंड प्ले लिस्ट का जो सेक्शन है प्रॉपरली जो होता है वो चेकआउट कर लेना. कुछ भी अच्छा लगता है आपको प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. काफी वर्सटाइल चैनल है, कार एंड होम ऑडियो ये दो चीजें चलती रहती है यहाँ पे. ट्रैवल व्लॉगिंग भी है, कार्स के अंदर चीजें तो है ही, एंड कुछ रैंडम चीजें भी रहती हैं, बट वो वाल रहता है क्योंकि आई ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ ब्लॉगिंग. कभी कभी कर लेता हूँ यार, हो जाती है थोड़ी, तो कोई एक दो वीडियो हिट भी हो गए हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है. सो गाइस अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, नैनो के ही अगले वीडियो में. ऑब्वियसली बात है उसी की सीरीज चल रही है. सो मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करने वाला हूँ. मोस्ट प्रोबेबली इसकी क्लीनिंग करूंगा, हाई लेवल क्लीनिंग, एंड उसके बाद सब कुछ इंस्टॉल करेंगे. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक इट. बाय, टेक केयर एंड सी या, हैव लॉट्स ऑफ फन.